ET24 न्यूज में आपका स्वागत है। इटारसी निवारी रेलवे स्कूल मैदान पर रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत रेलवे कर्मचारी के बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगेश लाला सोशल डिस्टेंसिंग मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए प्रतियोगिता के सफल 8वें दिन में आज पहला मैच और प्रतियोगिता का चौथा क्वार्टर फाइनल में हरदा एवं 100 डायल मॉर्निंग के बीच खेला, जिसमें अभी बल्लू में सैनिटाइजर है ना। 100 डायल मॉर्निंग सिर्फ दूर से ने पेनाल्टी शूटआउट से मैच जीता। प्रतियोगिता के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच कल जो संपन्न हुए हैं, किसमें कोरोना फाइटर्स इटारसी गुरुकुल होशंगाबाद एवं रेलवे बॉयज मार्क्स 11 सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। आज का दूसरा मैच यंग कोरोना वायरस एवं एनएफसी इम्यूनिटी क्लब के मध्य तीसरे स्थान के लिए खेला जाएगा। आज मैच के मुख्य अतिथि दीप सिंह ठाकुर, हरदा जिले के खेल अधिकारी गोपाल मीना, आरपीएफ थाना प्रभारी, हरदा जिले के जिला फुटबॉल संघ के सचिव सुनील पालीवाल, नरेश पाठक और अलविन देवेन खाड़े, बलराम सोनिया, संतोष शुक्ला, प्रीतम मेवालाल मंडलेकर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करा। उनको सैनिटाइजर एवं मास्क देकर मैच का प्रारंभ करवाया। मैच के रेफरी दीपक परदेशी, पवन कुसरेठे, राकेश रेखवार, सुदीप चक्रवर्ती, फिरोज अंकुश मसी एवं सोनू लाला राय, चिन्ना थे। कल सेमीफाइनल मैच 100 डल मॉर्निंग क्लब और रेलवे बॉयज मार्क्स 11 के बीच और दूसरा सेमीफाइनल मैच कोरोना फाइटर के विरुद्ध गुरुकुल होशंगाबाद के बीच 7 तारीख को शाम 4 बजे से खेला जाएगा। देखते रहिए ET24। और भी खबर एवं अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें ET24 न्यूज़। किसी प्रकार की कोई भी हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं, जबकि पहला लंबी किक यहाँ पर, बॉल सीधे सेंटर लाइन के पास, पास टू पास, ग्राउंड बॉल चलाते हुए फाइटर इलेवन, अच्छा पास, नौ नंबर जैसी आ जाती है। नहीं एक बार फिर 11 नंबर जैसी, इस बार मेरे ठीक दाएं ओर से आक्रमण की बात हो, लेकिन बॉल को क्लियर करते हुए यहाँ पर एनएफसी क्लब एक एक की बराबरी पर यह मैच चलता हुआ आउट हो गया। Come get!
बॉल 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 उठाओ बॉल गोलकीपर राजा इन्होंने गोलकीपिंग की भूमिका निभाई।